हाय तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। वैसे देखो गाइस ना तो मुझे शुद्ध हिंदी बोलने आता है और ना ही शुद्ध अंग्रेजी। खैर यार ये सब छोड़ो, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे हमारा देश का करियर बर्बाद है। तो गाइस आज से कुछ वर्षों पहले हमारे देश में एक बीमारी आया था जिसका नाम था और यार हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इस बीमारी का परमानेंट इलाज तो कर दिया था, लेकिन गाइस इस बीमारी से पीड़ित लोगों का इलाज अभी तक नहीं हो पाया है। और यार ये बीमारी फैलते फैलते इंस्टाग्राम रील्स से लेके हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स तक फैल चुका है। अब यार ये किसी को नहीं पता कि हमारे देश का फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे से लेके बूढ़े तक, लंबे से लेके नाटे तक और मोटे से लेके पतले तक सभी के सभी रील्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो बच्चा अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता वो भी रील्स बना रहा है। अब यार पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया कि रील्स बनाने के लिए ये लोग मेकअप किए जा रहे हैं। अब यार ये लड़का को देखो, ये रील्स बनाने के लिए मेकअप करके आया जिसमें इसने लिपस्टिक भी लगाई है और भाई फिल्टर का तो पूछो ही मत। अब यार सीधी सी बात है कि 16-17 की उम्र से दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यार इसे देखो, इसकी चेहरे पर एक जरा सा बाल भी नहीं दिख रहा है और ना ही फेस में कोई टेक्सचर नजर आ रहा है। अब यार इसमें ये भी डाउट होता है कि ये इंसान चले जाएंगे जैसे हादसे में जान चली जाती है। चल चल वे तू बंदे। अब यार मुझे तो कोई पहले ये समझाओ कि ये शक्ल तो लड़की की है, फिर इसकी आवाज लड़कों जैसी कैसे आ रही है। अब यार इसमें भी ये डाउट हो जाता है कि ये एक्चुअल में लड़की ही है या नहीं। अब यार इससे तो तुम्हें ये पता चल ही गया होगा कि क्रिंज कंटेंट किसे कहते हैं। तो आओ यार एक और एग्जांपल देख लेते हैं क्रिंज कंटेंट का। अब यार ये रील्स वाला बीमारी इतना ज्यादा खतरनाक है कि हमारे पूरे देश का करियर बर्बाद कर सकता है। यहाँ पर जो बच्चे अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाते वो भी सोचते हैं कि यार काश मैं जल्दी बड़ा हो जाऊँ ताकि अच्छे से रील्स बनाऊंगा। यहाँ तक कि जो बच्चे स्कूल में वो भी सोचते हैं कि यार बस स्कूल जल्दी से छुट्टी हो जाए, आज घर जाके चांद वाला मुकड़ा पे रील्स बनाना है। अब यार ऐसा मैं तुम लोग ही बताओ कि हमारा देश का फ्यूचर कैसा होगा, सभी लोग इसी तरह फिल्टर लगा लगा के रील्स बनाने लग जाएंगे। सड़क सपानी चाय में पानी हाथ में कारगारी ना का शाबाश। अब यार इस छोटे से बच्चे का डेडिकेशन तो देखो, मतलब छपरी बनने के लिए अभी से ही फुल प्रैक्टिस कर रहा है। चश्मा इसके माथे से भी बड़ा है और ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा, फिर भी इसे वीडियो बनाना ही है। कितनी दफा यार पता नहीं ये अपने आंख में कौन से कंपनी का कलर डाल के वीडियो बना रही है। अगर सच बताओ तो गाइस अगर मैं 4 दिन तक भी नहीं सोऊं तो मेरे आंख का ये हाल नहीं होगा जो हाल इसने सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए किया है। अब यार पता नहीं ऐसे ऐसे कंटेंट से ये लोग पब्लिक को क्या समझाना चाहते हैं। तसल्ली सी मिल जाती है दिल को जब अरिजीत सिंह कहता है अब यार जब मैं गलती करता था और मेरे पापा जब मुझे उल्टा लटका के मारते थे तब भी मैं इतना नहीं रोता था जितना ये दीदी एक रील्स बनाने के लिए रो रही है। और यार लड़कों के वॉइस में इनका लिपसिंग अलग ही सरदर्द बन चुका है। और यार अरिजीत सिंह के कहने पर जब इसे तसल्ली मिल ही जाती है तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है। अब यार ऐसी ऐसी वीडियो का तो कोई भी लॉजिक नहीं है और लॉजिक होगा भी कैसे, ये तो क्रिंज कॉन्टेंट है। यार सच बताओ तो ये चीज देख के मैं भी एक पल के लिए डर गया था। अब यार तुम ही सोच के देखो कि कोई बंदा मस्त अपना स्क्रॉल कर करके रील्स देख रहा है और सडनली उसे ये दिख जाए, ऑब्वियसली यार इसे देख के कोई भी डर जाएगा। तो बस यार इस तरह का वीडियो और मैं नहीं देख सकता, तो इस वाले वीडियो में इतना ही। अब यार तुम लोग को वीडियो में मजा आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगली वीडियो में, गुड बाय।